हर साल कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। इस बार धनतेरस 10 नवंबर को मनाया जा रहा है। धनतेरस को लेकर मान्यता है कि इस दिन समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसीलिए इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। इसके साथ ही कुबेर देवता की उपासना भी होती है। अगर भगवान धन्वंतरी और देवता कुबेर की पूजा शुभ मुहूर्त पर की जाए तो इसका फल अत्यधिक मिलता है। ऐसे में इस बार धनतेरस के पूजन का शुभ मुहूर्त क्या पड़ रहा है, आपको विस्तार से बताते हैं। बता दें कि धनतेरस के पावन पर्व पर भगवान गणेश, धन्वंतरी भगवान और कुबेर देवता की पूजा होती है। इस बार धनतेरस की त्रयोदशी तिथि 10 नवंबर यानी आज दोपहर 12:35 से शुरू हो रही है और इस तिथि का समापन 11 नवंबर यानी कल दोपहर 1:57 पर होगा। इस बार धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त शुक्रवार को शाम 5:47 से शुरू होकर शाम 7:47 तक रहेगा। धनतेरस के शुभ मुहूर्त को लेकर वैदिक तंत्र गुरु आचार्य शैलेश तिवारी ने एबीपी गंगा को क्या बताया है, आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की 13वां दिन यह धन त्रयोदशी की पूजा की जाती है। धनतेरस इसीलिए कहते हैं और इस दिन शुभ मुहूर्त जो सबसे अच्छा मुहूर्त है 12:45 से लेकर के 1:45 तक शुभ मुहूर्त की चौघड़िया है। इस चौघड़िया में आप भगवान धन त्रयोदशी का विशेष भगवान धन्वंतरी का पूजन करें। धन्वंतरी आरोग्यता के देवता हैं। जब समुद्र मंथन हुआ था तो भगवान धन्वंतरी समुद्र से उत्पन्न हुए थे, समुद्र से निकले थे। माता लक्ष्मी जो है वह अमावस्या तिथि के दिन निकली थी, धन त्रयोदशी के दिन विशेष रूप से धन्वंतरी भगवान निकले थे। समुद्र मंथन से अमृत कलश भी निकला था, कामधेनु गाय भी निकली थी, विष भी निकला था, एरावत हाथी निकले थे, बहुत कुछ निकले थे। तो धन त्रयोदशी के दिन इस दिन धन की विशेष प्राप्ति के लिए भगवान कुबेर देव का पूजन होता है। 12:45 से लेकर के आप 1:45-47 तक पूजन करके और इसी समय में आप सोना खरीदें। शाम को 6:30 से लेकर के रात्रि के 10 तक आप सोना खरीदें। लेकिन जो सबसे चमत्कारिक बात बताने जा रहा हूँ जिससे आपके घर में धन की विशेष वृद्धि होगी, इस दिन झाड़ू खरीदना विशेष महत्व है। झाड़ू जो है वह सफाई का प्रतीक है, वह जो है अंधकार को मिटा करके प्रकाश, दुर्गंध को मिटा करके सुगंध को फैलाता है। आपको बता दें कि एक पौराणिक कथा के अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन समुद्र मंथन से धन्वंतरी प्रकट हुए थे, जिनके हाथों में अमृत से भरा कलश था। भगवान धन्वंतरी कलश लेकर प्रकट हुए थे। कहते हैं कि तभी से धनतेरस मनाया जाने लगा है। मान्यता ये भी है कि शुभ मुहूर्त पर धनतेरस की पूजा करने से आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।